राधे राधे संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे हो आप सब? बने बने ना, आप सबके बहुत बहुत स्वागत है मोरसी जी तड़का वन चैनल में। तो आज मैं लाए हूँ बर्गर के रेसिपी। तो ये रेसिपी मैं आप सबसे भी शेयर कर रहा था। तो सबसे पहले हम आलू ले लेंगे, आलू उबाल के छील ले हैं, और मटर ले लेंगे और ओला हल्का से गर्म पानी में डाल के उबाल लेंगे। अब आलू लमसल लेना है, घर पेस्ट तैयार कर लेना है। आप चाहो तो ला किसनी में किस के भी बना सकते हो। और प्याज ले लेना, प्याज ला बारीक काट लेना है। अब आलू में मिलाएंगे हरा मटर और बारीक कटे हुए प्याज, ला अच्छा से मसल के मिला देना। अब ये मार डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर मतलब मक्के का आटा। ये 2 बड़े चम्मच डाले हैं। और बाद इमा डालेंगे गरम मसाला, अदरक लहसुन के पेस्ट, और बाद मिलाएंगे अच्छे से। अभी भी हमें इमा मसाला डालना है। अब डालेंगे हल्दी। अब इमा डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद इमा डालना है हल्दी। आप चाहो तो हल्दी डाल सकते हो, नहीं तो घर बचाए जलेबी रंग भी डाल सकते हो। घर बाद डालेंगे मैं लाल मिर्च। तो ये कस्तूरी लाल मिर्च है, तीखा नीरा है। अब ब्रेड ले हैं, ब्रेड ला चूरा करके ओला मिक्सी में पीस ले हैं। अब एक घर पाउडर बन जाए, फिर पाउडर लेमा मिला देना है। और आलू और ब्रेड ला अच्छे से आटा की तरह गूंथ के तैयार कर लेना है। अभी तक हमने इमा थोड़ा भी पानी नहीं डाले हैं, जितना आलू में नमी है उखर से ही पूरा टिकिया बन के तैयार करें हैं। और गोल गोल टिकिया बना के ओला ब्रेड के ऊपर थोड़ा से लपेट के तवा में सेके के लिए डाल दें हैं। आप चाहो तो इला तल के भी निकाल सकते हो। सारा टिकिया डाले के बाद मैं पहले से वैसे तवा में 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ, और थोड़ा सा और तेल डाल के पलट पलट के अच्छा से सेक लेना है। आप में से कौन कौन ला बर्गर पसंद है? मोला तो बहुत पसंद है। मैं जब भी अपन गुड़िया के साथ जाता हूँ तो मोल मॉल में ज़रूर खिलाते हैं। ऐसा लगे कि ये बनाना शायद बहुत मुश्किल हुई, लेकिन बनाए के बाद पता चले बहुत ही आसान है। अभी मैं 1 चम्मच तेल और डालें और अब ये पलट लेंगे। थोड़ा सा दबा दबा के ही सेकना है। अब ये सारा बर्गर टिकिया जो है ये पलट ले हैं, और फिर से पीछे अच्छा से सिक जाए करके फिर से तेल डाले हैं। तवा में का है कम तेल में बन के तैयार हो जाते हैं, और तले से बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, तवा में ज़रा टाइम लगते हैं। अब ये सारा बर्गर सिक चुके हैं, अब लाइक प्लेट में निकाल लेंगे। एक जगह ही आँच ज़्यादा पड़ते करके घुमा घुमा के ही सेका था, ताकि सब तरफ अच्छे से बराबर सिक जाए, कहीं से कोई कच्चा ना रहे। अब लाइक प्लेट में निकालें और कुछ सलाद काट के रख लें हैं, जैसे प्याज है, टमाटर, खीरा है और पत्ता गोभी। ब्रेड ले ले हैं, बर्गर ब्रेड है, अलग काट लेंगे। काटे के बाद सॉस ले लें, सॉस है और मेयोनीज है, तो दोनों अच्छा से मिक्स कर देना है और इल ब्रेड में अच्छा तरह से फैलाना है।
अब ये सब तरफ फैल गए। ये मैं सबसे पहले रखेंगे पत्ता गोभी के परत, और बाद रखेंगे आलू टिकिया, और दोनों भतीजा मिलके बनाते तो मन अलग अलग तरीके से बनाते हैं। फिर हम डाले से कटे हुए सलाद, खीरा के टुकड़ा, प्याज के टुकड़ा, टमाटर, फिर मैं डाली से काला नमक, और बाद में डाली कूटे हुए लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, आप यहाँ पे चीज के स्लाइस भी रख सकते हो, लेकिन मैं क्यूब रखी हूँ तो वो किसके डाला था। कई जन मन बर्गर तवा में सेक के खाते और कई जन मन नहीं, यानी बस ऐसे ही तैयार करके टिकिया डाल के फिर ऐसे ही खाते, लेकिन मैं ला थोड़ा से सेकूँ तब ये बन के तैयार हो चुके हैं बर्गर। बाकी के ब्रेड भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे, सॉस लगाएंगे, सलाद डालेंगे, टिकिया रखेंगे और चीज के इसके डालेंगे। ये सारा बर्गर बनके तैयार हो चुके हैं। आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, नहीं तो तवा में हल्का से सेक के, तो तवा में बटर लगाएं, उखर बाद एक बार घुमा के लसाइड रख देंगे, उखर बाद फिर दूसरा बर्गर भी रखेंगे, फिर से बटर लगाएंगे, धीमे ही आंच पे सेकना है ताकि वो जले ना। तो आप सब ये बर्गर की रेसिपी कैसे लगी स्मॉल जरूर बताओ, और मुझे चैनल में जो नया है मुझे चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपन दया में आप बनाए रहो। और आज के लिए बस इतना ही, आप सब फिर से एक बार राधे राधे, जय।